हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बताएंगे आपको बैटमैन वेंजर्स की गेम सेटिंग, जो अपने प्लेइंग स्टेशन 2 एमुलेटर में चला सकते हैं वेरी इजीली। सबसे पहले आपको स्पीड हैकिंग पे जाना है, इसमें आप स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है ये इसकी VUS की, जिसमें कैप 0 से ऊपर मैंने करना है आपको। ये सेटिंग ध्यान से देख लीजिए और इसी के साथ आपका बिल्कुल स्मूथली चलेगा ये बैटमैन वेंजर्स। और हाँ, ये बैटमैन वेंजर्स सेटिंग है तो ये 1.2 मिलर में चला रहा हूँ मैं, जो आप किसी भी और भी मिलर में चला कर सकते हैं। और बाकी सेटिंग में आपकी मर्जी, मैं हार्डवेयर से रखा है 3D9 3D11 रख सकते हैं। सॉफ्ट में, और सॉफ्ट में ये रहेगी जो गेम की लाइनिंग है वो नहीं आएगी, पर हार्ड में खेलेंगे तो खाली गेम की वैसे लाइनिंग खाली लोडिंग में दिखेगी, गेम के अंदर नहीं दिखेगी। और बाकी सेटिंग आपके ऊपर, आपकी मर्जी, आप कौन सा सेटिंग करना चाहते हैं। बाकी इन सेटिंग को आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो फास्ट या फिर स्मूथ तो और ज़्यादा चलेगा और ग्राफिक्स और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बैटमैन वेंजर्स शुरू करते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं बैटमैन वेंजर्स। ये प्लेइंग स्टेशन 2 की गेम है और डॉल्फिन एमुलेटर में भी मिल रहा है, उसमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली इसी में सेटिंग करनी पड़ती है इसकी। और जो आप लाइनिंग देख रहे हैं खाली इसी टाइम दिखेगी लाइनिंग, गेम के अंदर नहीं दिखेगी बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप सब सॉफ्ट वीडियो सेटिंग में अगर सॉफ्ट का यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर का, तो उसमें ये लाइनिंग नहीं दिखेगी, पर अंदर के ग्राफिक्स थोड़े हो सकते ज़्यादा अच्छे ना लगे। मैंने कर ली है सेटिंग बिल्कुल स्मूथली, सकते हैं सब। बैटमैन की ग्राफिक सेटिंग कितनी अच्छी लगेगी वो आप देख सकते हैं बैटमैन की सूट की। और देख सकते हैं अगर ये थोड़ा स्लो चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से, तो मैं एक सेटिंग और बढ़ा सकता हूँ, उसके बाद बिल्कुल स्मूथली चल जाएगा। मैंने जो सेटिंग में दिखाई आपको उसी पे, और देखो थोड़ा सही चल रहा है। और ब्राइटनेस मैंने थोड़ी बढ़ा रखी है, चाहे तो ब्राइटनेस चाहे उतनी वैसे रखे अपने हिसाब से। ग्राफ सेटिंग कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तो कब खेलिए बैटमैन वेंजर्स। और ये बहुत अच्छी गेम है और मेरे को पसंद है कि बैटमैन एनिमेटेड सीरीज की गेम है ये। और बैटमैन एनिमेटेड सीरीज आपको शायद नहीं पता होगा, एनिमेटेड सीरीज बहुत अच्छी एनिमेटेड सीरीज है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, इसमें अमेजिंग विलन और इसमें बैटमैन के बहुत सी गैजेट्स यूज़ करने का मौका मिलता है, यहाँ तक कि मैं बैट मूवी भी चला सकते हो, उसके अलावा बैटमैन की और भी चीज़ें जो हर लेवल के हिसाब से आपको आगे मिलेगी चलाने को। और इसमें इस बक्से को भी तोड़ना है, जो मैं बाद में करूँगा। फिलहाल बैटर एंड इलेक्ट्रिक वाले से बताना है मेरे को बैटगर्ल को, पर वो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने गेम सेटिंग्स, उससे आपका गेम बिल्कुल स्मूथली चलेगा वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। अब फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, सपोर्ट करते रहिए मेरे इस चैनल को, ताकि ला सकूँ आपके लिए अमेजिंग वीडियो। हमारे चैनल में 100 से ऊपर अमेजिंग वीडियो है, आपको जरूर जाकर देखनी चाहिए। बाय बाय।